नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M32 versus Vivo Y53s 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M32 में 6.27 इंच जबकि Y53s 4G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy M32 में 2.91 इंच जबकि Y53s 4G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy M32 में 0.37 इंच जबकि Y53s 4G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy M32 में 196 ग्राम्स जबकि Y53s 4G में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M32 में Super AMOLED जबकि Y53s 4G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M32 में 6.4 इंचेस जबकि Y53s 4G में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy M32 में 1080x2400 और Y53s 4G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy M32 में 83.89% जबकि Y53s 4G में 84.53% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy M32 में 411 पिक्सल प्रति इंच जबकि Y53s 4G में 401 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy M32 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Y53s 4G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G52MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy M32 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि Y53s 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy M32 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Y53s 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy M32 में 6000 mAh जबकि Y53s 4G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy M32 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Y53S 4G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,490 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी M32 में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वीवो Y53S 4G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी M32 आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A53 2020 है जो कि 12,180 रुपए में मिलता है। दूसरा ओप्पो A16 है जो कि 13,990 रुपए में मिलता है। तीसरा टेक्नो पोवा 2 है जो कि 12,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी नाजो 50A है जो कि 11,499 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।